तुलसी शालिग्राम के विवाह की दिव्य कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं होगी तुरंत पूरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम तुलसी विवाह की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम के विवाह की जो कथा है वह बड़ी ही अद्भुत और दुर्लभ है। यह कथा सुनने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण से और भगवान शालिग्राम से प्रार्थना करिएगा कि आप हमारी समस्त मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण कर दें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी या फिर देवठान एकादशी कहा जाता है। इस संबंध में यह कहा गया है कि भगवान शंखासुर नामक दैत्य को मार करके थकावट दूर करने के लिए 4 माह शयन करते हैं और उसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उनका जो है शयन समाप्त होता है और देव उठ जाते हैं। तभी से इसी दिन सभी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सायंकाल को एकादशी के समय भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। शाम के समय तुलसी जी के पास गन्ने का एक मंडप बनाया जाता है और मंडप बना करके शालिग्राम तथा तुलसी जी को स्थापित किया जाता है और विवाह विधि से खूब गाजे बाजे के साथ तुलसी जी के साथ जो है शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया जाता है और विवाह के गीत भी इसमें गाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम के विवाह के संबंध में अनेकों अनेक कथाएं मिलती है। कुछ पुराणों में लिखा हुआ है कि सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी, जिसका नाम वृंदा था, अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ में हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए और कहा कि मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से, क्या वरदान चाहिए तुमको? वृंदा अर्थात तुलसी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, अर्थात यह मनोकामना तुम्हारी जो है अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें एक श्राप मिला है, जिसके कारण एक दैत्य के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा और यह दैत्य कोई और नहीं है, नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति बन जाएंगे, इसलिए पहले तुमको एक दानव के साथ में विवाह करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारा विवाह नारायण के साथ में संपन्न होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा को वृंदा ने स्वीकार कर लिया और तुलसी वहीं बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद जो कि दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ था, कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ पर ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। तुलसी से कहा कि तुलसी, जालंधर को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो और इसके साथ विवाह कर लो। वृंदा को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित वरदान प्राप्त हो गया है तथा उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जालंधर के साथ में गांधर्व विवाह विधि से अपना विवाह संपन्न कर लिया।
और जालंधर के साथ उसके महल में आकर के उसकी पटरानी बन करके उसकी पत्नी बन गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती स्वाध्वी पत्नी तुलसी के साथ में बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी बन गया था और सारे देवता इस जालंधर के कारण बड़ी ही विपत्ति में आ गए। और सारे देवता जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में विनती करते हैं कि हे प्रभु, एक जालंधर नाम का दैत्य है, उसने हमारे सारे राजपाट को छीन लिया है और हम सब उसके आगे शक्तिहीन हो गए हैं। उसको हम हरा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसका नाम वृंदा है, वृंदा अर्थात तुलसी है, वो परम साध्वी है, सती है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुलसी वृंदा परम साध्वी है, सती है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया है। जालंधर को तब तक हराया नहीं जा सकता है तब तक वृंदा को छला नहीं जाए, क्योंकि जालंधर की जो पत्नी है वह पतिव्रता है। पतिव्रता जो पत्नी होती है उसके सतीत्व के प्रभाव से उसका जो पति है वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहता है और उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए जब तक वृंदा को नहीं छला जाएगा तब तक जालंधर को कोई भी इस त्रिलोकी में हरा नहीं पाएगा। देवी भागवत पुराण में जालंधर की जो कथा मिलती है उसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, इससे जालंधर उत्पन्न हुआ था, इसलिए जालंधर को शिव पुत्र कहा जाता है। जालंधर की पत्नी वृंदा, जिसे पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता जालंधर से जो है पराजित नहीं कर पा रहे थे, अर्थात जालंधर को हरा नहीं पाए थे। जालंधर को अपने इस बल पर अभिमान आ गया था, वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा। पुराणों की कथा के अनुसार एक बार जालंधर देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु से छीन लेना चाहता था, इसलिए उसने वैकुंठ पर जाकर के आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, हम दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, इसलिए हम दोनों तो भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों में जालंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मान करके वैकुंठ से चला गया। उसके बाद वह कैलाश पर जाकर के देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए आग्रह करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जालंधर निष्फल कर देता था। देवताओं ने मिलकर के योजना बनाई और भगवान विष्णु के पास जाते हैं सारे देवता और कहते हैं कि प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और आप किसी प्रकार से जो है वृंदा का सतीत्व भंग करके आप जो है हमारे इस जो है जालंधर को पराजित करने के प्रयास को सफल करवा सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने जो है जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए पहुंच गए। वृंदा ने देखा कि मेरे पति अचानक आ गए हैं और विष्णु को ही अपना पति जालंधर मान करके उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। पति पत्नी का यह व्यवहार होने लगा, इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इसके अलावा जालंधर को समस्त देवताओं ने भी हरा दिया और जालंधर की इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के हाथ से मृत्यु हो गई। और जैसे ही वृंदा को पता चला कि मेरा सतीत्व भंग हो गया है, वृंदा ने तुरंत ही आत्मदाह कर लिया और अपने शरीर को जला करके राख कर दिया और इसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म लिया। और उसी समय वृंदा ने जो है भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भी पत्थर के बन जाओगे। उसी समय भगवान विष्णु जी पत्थर के बन गए। तब जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, वह एक तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई और भगवान जो है पत्थर के रूप में बन गए। तभी भगवान ने जो है वृंदा को वरदान दे दिया कि तुम जो है मेरी पत्नी के रूप में बनोगी और जब तक तुमको अपने मस्तक पर धारण नहीं करूंगा तब तक मेरी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी।
जब तक मेरा भोग तुम्हारे द्वारा अर्पित नहीं होगा, अर्थात जब तक तुलसी पत्र भोग में नहीं रखा जाएगा तब तक मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार वृंदा को उन्होंने वरदान दिया और वृंदा को हमेशा चिरस्थाई होने का वरदान भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रदान कर दिया गया। तभी से वृंदा का नाम तुलसी हो गया और भगवान विष्णु जो है शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। तब सारे देवताओं ने मिलकर के वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को इस श्राप से आप मुक्त कर दीजिए। सारे देवताओं की विनती को सुन करके वृंदा अर्थात तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और उस दिन का जो समय था वह देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महापर्व था। उस दिन वृंदा और शालिग्राम का विधिवत विवाह संपन्न हुआ और तभी से वृंदा और शालिग्राम के विवाह की परंपरा की शुरुआत की गई। और यह दिव्य कथा है और इसको जो कोई भी देव उठनी एकादशी के दिन सुनता है या फिर किसी भी अन्य दिन भी सुनता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुलसी महारानी की जय। तो मित्रों, हमने आपको तुलसी और शालिग्राम के विवाह की यह दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है। इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।